हेलो फ्रेंड्स, आज जीएसटी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। कई लोगों के लिए खुशखबरी है, खुशखबरी इन द सेंस जो आपका GSTR 9 और GSTR 9C था, एनुअल रिटर्न एज वेल एज योर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और केवल ईयर 17-18 की ही नहीं, 18-19 के लिए भी आपका जो डेट था वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो दो खुशखबरियां, पहली चीज। दूसरी जो खुशखबरी इसमें ये है कि जो आपसे कई सारी डिटेल्स मांगी जा रही थी उनको कम कर दिया गया, यानी अब सिंप्लीफाई कर दिया गया है GSTR 9 एंड 9C। 9 में जो आपको स्प्लिट करनी पड़ती थी इंफॉर्मेशन, कैपिटल गुड्स का कितना, ITC, सर्विसेज का कितना, इनपुट का कितना, नाउ ऑल दोज रबिश थिंग्स आर आउट फ्रॉम GSTR 9। एज वेल एज जो आपसे HSN बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी कि किस प्रोडक्ट, कौन से HSN का प्रोडक्ट का क्या डिटेल्स है, वो भी अलग अलग स्प्लिट करके दो, अब वो भी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी जा रही। ढंग से सुनेंगे, 2 मिनट लगेगा। मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीके में, जिस तरह रिटर्न सिंप्लीफाइड हो गई, मैंने भी आपको सिंप्लीफाइड वे में ये चीज तो बता ही दी। अब केवल अपना कोरम पूरा करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को थ्रू प्रेस रिलीज समझने की कोशिश करते हैं। कहता है, ढंग से सुनेंगे, कहता है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 9 एंड फॉर्म 9C, जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था, फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 31 दिसंबर। ओके, यानी 17-18 की जो ड्यू डेट है वो आपकी दिसंबर तक चली गई, नवंबर के बदले दिसंबर तक चली गई। और तो और, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो डेट है वो एक्सटेंड होकर मार्च तक पहुंच गई। मार्च तक नहीं, मार्च तक पहुंच गई। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू सिंप्लीफाई दिस फॉर्म टू मेक वेरियस चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड्स। ओके, और उनको आपको ऑप्शनल कर दिया है, जो पहले कंपल्शन था ना वो ऑप्शनल कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे थोड़ी सी पैरालिसिस के इश्यूज हैं, तो उसको आप माइंड नहीं करेंगे। आईज की जो मेरी प्रॉब्लम है, जो ब्लिंक होने की, वो है। तो आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, तो माफ कर देंगे आप हमारी आंखों की गुस्ताखियों को। फिलहाल CBIC टुडे नोटिफाइड द अमेंडमेंट। टुडे मींस दिस इज द डेट, 14th of November को नोटिफाई किया है द अमेंडमेंट रिगार्डिंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ GSTR 9 एंड 9C, विच इंटर अलाउज द टैक्स पेयर टू नॉट टू स्प्लिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। इन पर उन्होंने इंफॉर्मेशन अलग अलग अब देने की आपको जरूरत नहीं है, और न ही आपको HSN बेसिस पर आउटपुट और इनपुट की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। इज इट क्लियर? दोनों सालों के लिए, दोनों ईयर्स के लिए, 17-18 एज वेल एज 18-19। ओके, अब आपको गवर्नमेंट ये जानती है कि जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे टू फिल अप दीज GSTR 9 एंड 9C, आपकी काफी सारी मुश्किलों को उन लोगों ने हल कर दिया है, तो अब आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक टेंशन तो हमेशा बरकरार रहेंगी, सिंप्लीफाई होने के बाद भी कुछ ना कुछ दिमाग में खुरापात तो रहती है। फिलहाल आज का हमारा ये नोटिफिकेशन मेन मेन पर्पस था कि ये प्रेस रिलीज आप तक पहुंचाना, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकें और इन अमेंडमेंट जो ऑप्शनल कर दिए गए हैं उनको जान सकें। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई प्रेस रिलीज, नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।